नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूरी दुनिया का पेट पालने वाला किसान जिसका जीवन हमेशा संघर्ष में रहा है, कभी किसानों को कुदरत की मार तो कभी प्रशासनिक व्यवस्था का खामियाजा हर किसान को भुगतना पड़ता है, और हद तो तब हो जाती है जब उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता। किसानों की सुनने और दिखावे करने वाले नेता भी कुछ समय बाद कहीं विलुप्त हो जाते हैं। वे तभी सामने आते हैं जब चुनाव आता है। किसान अपनी फसलों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, फसल बीमा भी करवाते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल पर वे ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाते हैं, और फसल खराब हो जाने के बाद लगातार मुआवजे की मार के लिए और अपनी मांगों को लेकर के चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक चक्कर भी लगाते हैं। कभी इनकी सुनी जाती है तो कभी नहीं। अगर बात करें इस बार फसल की, तो अधिक जल भराव और बरसात अधिक होने की वजह से किसानों की नरमे और कपास की फसल खराब हो चुकी है। नरमा पूरी तरह से साट मारने लगा है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी इस बार काफ़ी हुआ है, जिसके लिए किसानों ने लगातार संघर्ष भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया। इन सब के बावजूद किसानों के हित में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन देर सवेर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये ट्वीट करके बताया है कि किसानों की नरमे और कपास की फसल जो खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाएगा। जिन कपास उत्पादकों को सफ़ेद मक्खी व पेरावेट जिसके कारण नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत कपास उत्पादक भी रहेंगे शामिल। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा CMO हरियाणा के द्वारा ट्वीट करके कहा गया है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।